नमस्कार, मैं अजहर मंसूरी और आप देख रहे हैं निमस टुडे। चलिए आज की बड़ी खबर बताते हैं। प्रशासन ने बुधवार को ग्राम भोलियावास में कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया। भोलियावास में दो लोगों ने शासकीय भूमि पर लकड़ियां और कांटे लगाकर बाड़ा बना लिया था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की और शासकीय भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। नीमच के समीपस्थ ग्राम भोलियावास में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां दो लोगों ने मिलकर शासकीय भूमि पर लकड़ियां और तोल कांटे लगाकर बाड़ा बना लिया था। कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर बुधवार को तहसीलदार यशपाल मुजालदे और RI योगेश चोपड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पटवारी पंचायत सचिव के साथ निरीक्षण किया, जहाँ शासकीय भूमि पर पहले ही की तरह अतिक्रमण पाया गया। मौके पर ही तहसीलदार यशपाल मुजालदे के नेतृत्व में पुलिस बल और पंचायत के जिम्मेदारों की मौजूदगी में JCB से कब्जा हटाया गया। तहसीलदार यशपाल मुजालदे ने बताया कि ग्राम भोलियावास में कैलाश पिता उदय राम और उसके पड़ोसी अविनाश ने शासकीय भूमि पर लकड़ियां और कांटे लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। बेदखली के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज पुलिस और पंचायत की सहायता से शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। ग्राम भोलियावास में आज अतिक्रमण हटाया गया। शासकीय भूमि पे जो अस्थायी रूप से बागड़ लगाकर कांटे रख के या लकड़ियाँ रखकर अतिक्रमण किया गया था, उसको पुलिस की सहायता से पंचायत की सहायता से आज हटाया गया है। मुख्यतः उसमें दो लोगों का अतिक्रमण था, जिसमें एक कैलाश पिता उदयराम था जिसने लकड़ी रख के बाड़ा बना के अतिक्रमण किया था, और एक उसके पड़ोसी थे अविनाश, उनके लोकतंत्र सेनानी की मूर्ति रखी हुई है उसके आसपास बागड़ बना करके किया गया था, जिसको आज हटाया गया। बेदखली के आदेश इसमें पहले हो चुके थे।